हेलो व्यूवर्स, मेरे सिंपल फूड चैनल में आपको स्वागत है। आज हम सिंपल फूड्स में एग मयो सैंडविच दो तरीके में कैसे बनाते हैं देखेंगे। रेसिपी देखने के बाद आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कैसी लगी कि मुझे कमेंट कीजिए। अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं अपलोड करेगी तो वीडियो आप सबसे पहले देख सके। किस बात की देरी फ्रेंड्स, चलो एक मयोनीज सैंडविच बनाने का तरीका शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं 3 उबले हुए अंडे ले ली हूँ। ये अंडे को अच्छे से उबाल के छिलका निकाल दीजिए और अंडों को इसी तरह छोटे पीस कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं पीसेस कट कर रही हूँ, आप चाहे तो अंडों को मैश भी कर सकते हैं। इसी तरह पूरे अंडों को पीसेस कर लेके एक बॉल में निकाल लेंगे। पूरे अंडे मैं पीसेस कर ली हूँ। अब ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब जैसा खाते हैं वही हिसाब से नमक को डाल लीजिए और ऐड कर देंगे इसमें 1 मीडियम साइज कटी हुई प्याज। यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ, आप नहीं डालना चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं और चाहे तो इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, तीखे के हिसाब से काली मिर्ची पाउडर कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं। अब ऐड कर देंगे इसमें मायोनीज, 2 से 3 टेबलस्पून जितना मायोनीज ऐड कर लेंगे और ज़्यादा पसंद होगा तो मायोनीज ज़्यादा और 4 टेबलस्पून जितना भी डाल सकते हैं। अभी मायोनीज ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग रेडी हो गई है। यहाँ पे मैं 4 ब्रेड स्लाइस ले ली हूँ, 2 टेबलस्पून बटर, थोड़ा सा बटर लेके ब्रेड को अप्लाई कर लेंगे। हम बना के रखे हुए अंडा मायोनीज का स्टफिंग लेके ब्रेड पे रख देंगे। मैं 2 सैंडविच के लिए 3 अंडे ले ली हूँ, आप चाहे तो अंडों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। स्टफिंग रख के एक प्लेट में रख लीजिए और एक ब्रेड स्लाइस लेके इसको थोड़ा सा बटर अप्लाई कर देंगे। अच्छे से बटर अप्लाई करने के बाद जो बटर लगा के रखी हुई हिस्से को नीचे साइड रख के हल्का सा प्रेस कर दीजिए। एक ब्रेड सैंडविच बन के तैयार हो गया है। अब इस साइड में रख देंगे और एक सैंडविच बना के दिखाऊंगी और एक ब्रेड स्लाइस लेके उसको बटर अप्लाई कर देंगे। जो बटर लगा के रखे हुए हिस्से को नीचे के साइड रख देंगे। हिस्से को नीचे साइड रख के और स्टफिंग कर लेंगे, ये अंडा मायोनीज का स्टफिंग। और चाहे तो इसमें आप मनचाहे वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, कैरेट, बीटरूट, बीन्स, कुछ भी। और एक ब्रेड स्लाइस लेके उसको बटर अप्लाई करके जो बटर अप्लाई करके रखे हुए हिस्से को ऊपर साइड रखेंगे। अब इस सैंडविच को सेक के दिखाऊंगी। इसके लिए एक पैन ले लीजिए, गैस को ऑन कर देंगे। पैन गर्म होने के बाद थोड़ा सा बटर अप्लाई कर दूंगी। अब ये बटर मेल्ट होने के बाद जो बना के रखे हुए सैंडविच को रख देंगे। अब इस सैंडविच को रखने के बाद एक प्लेट लेके हल्का सा प्रेस करते हुए इसको सेकेंगे 1/2 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर रख के अच्छे से क्रिस्प होने तक। अच्छा सा क्रिस्प होने के बाद, अच्छा सा कलर चेंज होने के बाद पलट लेंगे। ऊपर साइड से थोड़ा सा और बटर लगा रही हूँ मैं, और नहीं चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। बटर डालेंगे तो ही टेस्ट अच्छा लगेगा। वह पलट दी हूँ मैं और दूसरे साइड भी 1/2 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर रख के पकाएंगे अच्छा सा कलर चेंज होने तक। बस सैंडविच तो बन के तैयार हो गया है, प्लेट में निकाल दूंगी। बनके तैयार हो गई ही 2 तरीके के सैंडविच, मैं कट करके दिखा दूंगी। बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उबले हुए अंडे होंगे तो सिर्फ 2 से 3 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी रेसिपी। बिग क्रिस्पी एक मयो सैंडविच कट करके दिखा दूंगी। अब ज़रूर ट्राई करके देखिए। 2 तरीके के सैंडविच को बनाना बहुत आसान है, बच्चों को भी बहुत ही हेल्थी है। उनको लंच बॉक्स में दे सकते हैं रेसिपी को। बच्चे प्याज नहीं खाएंगे तो वो अवॉइड करके प्याज को आप बना के दे सकते हैं। कैसी लगी फ्रेंड्स फिर आज की रेसिपी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कैसी लगी कि मुझे कमेंट कीजिए। अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।